22 मार्च 2020 कब वो दिन क्या आपको याद है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी नागरिकों को शाम 5 बजे थाली और शंख बजाने के लिए अपील की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूसरे ग्रह में रहने वाले परग्रही एलियन भी भारत की धरती पर आए थे। उस दिन देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों ने उस शाम आसमान में एलियन की उड़ती हुई उड़न्त स्तरीय देखी। जिन्होंने भी इन दूसरे ग्रह के एलियन के आने की आहट महसूस की वे आश्चर्यचकित रह गए। यह बात बहुत पहले से जानी जाती है कि एलियन हमारी धरती के आसपास ही रहते हैं, जिनकी हमें समय समय पर धरती पर आने की आहट महसूस होती है। ऐसा अनुमान है कि यह दूसरे ग्रह के निवासी हमारी पृथ्वी सौरमंडल या हमारे आकाशगंगा के आसपास ही अपने निवास बनाए होते हैं। वो एलियन हमारे धरती पर पहुंचते हैं, बट हम उस धरती पर नहीं जा सकते। तब तक उड़न तस्त्रियां हमारे आसपास आकर चौंका देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा ये एलियंस ऐसे विशेष समय पर अवश्य धरती पर आते हैं जब कोई खास घटना घटित होने वाली होती है। एलियन के आने की यह घटना पिछले वर्ष लॉकडाउन में घटित हुई। आइए आज उस पूरी घटना से आपको अवगत कराते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोगों के मन से कोरोना का भय भागने के लिए 22 मार्च 2020 को शाम 5 बजे थाली और शंख बजाने की अपील की थी, तो अपने देश के सारे देशवासियों ने इस अपील को स्वीकार किया। पूरे देश में लोग उस दिन शाम 5 बजे अपनी छतों और बालकनियों के सामने थाली और शंख बजा रहे थे। भोपाल में रहने वाले एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ छत पर हाथों में चम्मच लेकर पिछले एक घंटे से थालियां बजा रहे थे कि अचानक ढलती हुई शाम के समय में उनकी थाली चमचमाने लगी, क्योंकि उनकी थाली में एकाएक कोई तेज रोशनी रिफ्लेक्ट करने लगी। उस व्यक्ति को पहले लगा कि यह उनकी आंखों का भ्रम है, लेकिन दूसरे ही पल वह समझ गए कि यह उनकी आंखों का भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि दिन ढलने पर भी उनके हाथों की थाली रोशनी से चमचमा रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी थाली में रोशनी गोल गोल घूम रही थी। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को अपने पास बुलाया जो छत के दूसरे हिस्सों में खड़े थालियां बजा रहे थे। उस व्यक्ति ने जब अपनी थाली के एकाएक चमकने की बात बताई तो उन्हें भी लगा कि यह बात आंखों का भ्रम होगा, लेकिन थोड़ी देर में उन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब वह रोशनी का घूमता हुआ चक्र उनकी बेटे और पत्नी की थाली पर भी नजर आने लगा था। पूरा परिवार अंधेरी शाम में अपनी थालियों में सूर्य की तरह चमकता हुआ प्रतिबिंब देखकर घबरा उठे। उन्हें लगा कि कहीं किसी भूत प्रेत का साया घूमता हुआ उनकी छत पर तो नहीं आ गया, लेकिन जब उस व्यक्ति और उनके परिवार ने आसमान की तरफ देखा तो उन सबकी आंखें फटी फटी रह गई। आसमान में रोशनी फेंकती हुई गोल गोल कोई चीज घूम रही थी। वे अब समझ गए कि यह आसमान में विचित्र सी घूमने वाली वस्तु उड़न्त स्तरी है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन जिन एलियन के समाचार वह सुन रहे हैं वह दरअसल उनके सामने आ गए थे। वे दूसरे ग्रह के एलियन आज उनके शहर में छत पर आ चुके थे। उस व्यक्ति ने बताया कि आसमान में उड़ती हुई वह उड़न्त स्तरी कुछ पल को मेरी छत के ऊपर ठहर गई थी। उन्होंने इस उड़न्त स्तरी का अद्भुत नजारा लगभग 1.5 मिनट तक देखा। जब उन्होंने अपने आसपास के रहने वाले को इस अद्भुत घटना को मोबाइल से बताना चाहा तो आश्चर्य की बात वह थी कि उसके मोबाइल का नेटवर्क चला गया। यह उन एलियन का ही प्रभाव था जिन्होंने आसमान से ही उनके मोबाइल का नेटवर्क गायब कर दिया, ऐसा माना जाता है, ताकि वह उन एलियन के आने की घटना किसी को न दिखा सके। 90 सेकंड के बाद वह उड़न्त स्तरी गायब हो गई और उड़न्त स्तरी के जाते ही उनके मोबाइल का नेटवर्क आ गया। वह व्यक्ति और उनकी वाइफ और बेटे भौचक के रह गए। उन्होंने जब इस बात का जिक्र अपने मित्रों से किया तो सभी मजाक उड़ाने लगे। और दूसरे ग्रह के निवासी एलियन की भी उड़न तस्तरी थी, क्योंकि उस समय भारत द्वारा हवाई उड़ान पर भी रोक लगाने का आदेश दे दिया गया था। ऐसे में आसमान में चक्र की तरह गोल गोल घूमता यान उड़न तस्तरी हो सकता है। दरअसल एलियन लॉकडाउन में लोगों द्वारा छतों पर थाली और शंख बजाने का अद्भुत दृश्य देखने आए थे, ऐसा माना जाता है। निश्चय आने वाले एलियन के मन की जिज्ञासा ही उन्हें धरती की ओर खींच लाई। एलियन को यही अनुमान लगाना होगा कि पूरे देश में एक साथ थाली बजाने का स्वर वातावरण में क्या परिवर्तन लाएगा, सामूहिक शंखनाद की ध्वनि धरती के परिवेश पर क्या प्रभाव डालेंगी। उड़न्त स्तरियों के धरती पर आने की घटनाएं सदियों पुरानी है। सैकड़ों सालों से देश विदेश में एलियन के आने के प्रमाण मिल रहे हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि एलियन हमारी धरती पर होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जब भी कोई नई घटना घटित होती है तो एलियन हमारी धरती पर आते हैं ताकि पृथ्वी पर होने वाली हर अच्छी बुरी घटना से अपडेट होते हैं, या शायद धरती पर होने वाली हर अप्रत्याशित घटना में उनका हाथ है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।